दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग नथिंग फोन वन के लिए एक्साइटेड हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन हर बार तो हम कोई टेक चैनल देखते हैं या कोई भी न्यूज़ देखते हैं, हर बार अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हर बार सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आप कह सकते हो काफ़ी हद तक करेक्ट लीक से इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ क्या चेंज हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे क्लोज आ गया लॉन्च और बहुत सारे क्रिएटर्स ने मतलब इंडिया में तो नहीं, इंडिया के बाहर अपने हैंड में भी लेके उसे फील कराए और काफ़ी सारे वीडियोस भी आ चुकी हैं अब उसके प्रॉपर हैंड्स ऑन और पता नहीं फर्स्ट लुक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो बताया था नथिंग फोन वन की के फिर से भूल गया उस कंट्री का नाम, वहाँ पे नथिंग वाले ने बुलाया था उस जगह क्रिएटर्स को, टेक क्रिएटर्स को, वहाँ पर उन्हें एक्सपीरियंस कराया था फ़ोन, तो अब उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बाहर आ गई हैं। तो चैनल नया है सब्सक्राइब करिए, बाकी बातें आगे वीडियो में होंगी और लाइक करें भी ना मत जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऑफिशियल लीक्स काफ़ी हद तक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें नथिंग फोन वन के डिस्प्ले से। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक आप कह सकते हो, पहले हमें न्यूज़ आई थी कि 90 हर्ट्ज़ की ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन अब काफ़ी हद तक आप कह सकते हो ऑफिशियल लीक्स आप इन्हें कह सकते हो, यहाँ पे कार्ल पी से रिलेटेड आई है कोई लीक्स, यहाँ पे हमें पता चला है कि इसके अंदर डिस्प्ले होने वाली है वो 120 हर्ट्ज़ की ओलेड होने वाली है, नॉट एमोलेड। अभी तक तो जितना निकल के आया है लीक्स उस हिसाब से ओलेड होने वाली है और एप्पल में भी ओलेड मिलती है, तो मैं नहीं कहूँगा बेकार क्वालिटी की डिस्प्ले, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ ओलेड डिस्प्ले। साथ ही साथ प्रोसेसर की बात करें तो पहले लीक्स आ रही थी 778G 7th generation 1, लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही लीक्स गलत थी, यहाँ पे जो थोड़ी बहुत लीक्स निकल आई हैं उस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर 778G प्लस प्रोसेसर होने वाला है, तो ये यहाँ पे दो चीज़ें अलग निकल के आएंगी, क्योंकि पहले लीक्स थी उनसे टोटली हटके हैं ये दोनों चीज़ें। साथ ही हम थर्ड थिंग की बात करें तो यहाँ पे 45 वॉट की चार्जिंग देखने मिलेगी, 4500 mAh की बैटरी है, वायरलेस चार्जिंग भी है, बट वो कितने वॉट की होगी उसके बारे में अभी यहाँ कोई ऑफिशियल लीक या तुक्केबाजी वाली लीक भी नहीं है। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये तो ऑफिशियल है। साथ ही साथ अगर हम बात करी जाए इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, वो सब मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स हैं। साथ ही साथ इसके अंदर टाइप सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई ऑडियो जैक नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें आगे पीछे आपको ग्लास देखने को मिलता है, पीछे बिल्कुल हटके है ये फ़ोन, मतलब नथिंग कहा था वो करके दिखाया है, अब तक शायद कोई मार्केट में ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लॉन्च हुआ है। कलर चेंज कर देते हैं, कैमरा लेआउट बड़ा कर देते हैं, एक से खूबसूरत फ़ोन है, डिज़ाइन पैटर्न्स, लेकिन इस तरीके का अब तक कोई भी मार्केट में फ़ोन नहीं है। यहाँ पे आपको आगे की साइड भी ग्लास देखने मिलता है, पीछे की साइड भी ग्लास देखने मिलता है, मेटलिक फ्रेम्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे नथिंग ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। साथ ही साथ इस फ़ोन के जो पीछे बैक पैनल है वो इसका मेन की हाईलाइट है, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी हटके है, उसके अंदर आपको 5 LEDs देखने मिलती है। फर्स्ट आप इन 5 LEDs को एज अ नोटिफिकेशन लाइट या फिर आपको कोई कॉल आ रही है उस हिसाब से इन्हें सेट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो इन लाइट्स को, और जो नीचे आपको टाइप सी बोर्ड के पास एक सीरीज स्ट्रिप देखने को मिल रही है वो आपका इंडिकेटर का काम करेगी बैटरी परसेंटेज का, अगर आपकी 50% बैटरी चार्ज हो चुकी होगी तो वो लाइट पूरी बार में से आधा बार जलेगा, उस हिसाब से वो आपकी काम करेगी। साइड में कैमरे के साइड में ऊपर जो दे रखी है नोटिफिकेशन लाइट का काम करेगी। वायरलेस चार्जिंग जब आपकी हो रही होगी तो बीच में वायरलेस चार्जर के साइड में LEDs दे रखी होता है वो आपकी काम करेंगी, और बाकी आप इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक नोटिफिकेशन लाइट भी या फिर अलर्ट लाइट जो भी आप कस्टमाइज करके बना सकते हो। साथ में एक राइट साइड में छोटी रेड कलर की LED था, वीडियो रिकॉर्ड करोगे फोटोज क्लिक करोगे तब वो रेड LED ब्लिंक होगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल, काफ़ी ज़्यादा नए तरीके का स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, और पर्सनली ये सब फीचर देखने में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता 870 नहीं है, बट 778G प्लस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोसेसर। साथ ही साथ बात करी जाए कैमराज की, तो अभी कैमराज को लेकर कोई ऑफिशियल लीक्स नहीं आई है, नथिंग ने भी अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि हमें OIS देखने मिलेगा 50 megapixel IMX766 जो हमें आई थिंक Realme 9 Pro Plus और Realme GT 2 Pro में भी देखने को मिला था, क्योंकि नथिंग है सैमसंग का तो नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन हाँ सोनी का सेंसर यूज़ कर सकता है।
अब लेट्स सी क्या होता है। फ्रंट का सुनने में आ रहा 32 मेगापिक्सल कैमरा होगा। हाल फिलहाल कोई कैमरा से लेकर ऑफिशियल लीक्स नहीं है, जितनी ये तुक्केबाजी वाली लीक्स होती हैं वो ये हैं, और बाकी जो मैंने आपको शुरू में बताई वो ऑफिशियल लीक्स थी। अब बात करिए लॉन्च डेट की, तो आपको यहाँ पे 12 जुलाई इंडिया की लॉन्च डेट बताई जा रही है। 2 जगह लॉन्च होगा, नथिंग की वेबसाइट पे और फ्लिपकार्ट पे। आई थिंक फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा इसकी सेल होने वाली है, नथिंग की वेबसाइट पे नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है नथिंग फ़ोन के बारे में और आप कितना एक्साइटेड हैं आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये फ़ोन ऐसा है मार्केट में कि मैं वीडियो बनाते हुए 9 Pro Plus किसी फ़ोन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना इस फ़ोन के हो रहा हूँ। क्लीन UI देखने मिलेगी आपको, और ये भी बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे बेस्ट UI नथिंग की होगी, जो कि सीधा iOS से टक्कर लेगी। कुछ स्टेटमेंट भी दिया था नथिंग वालों ने, कार्पी ने, एप्पल यूरोप का पता नहीं क्या करके उन्होंने कहा था, नेक्स्ट एप्पल ऑफ यूरोप पता नहीं कुछ इस तरीके करके कहा था, क्योंकि इसकी UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, एड फ्री, ब्लोटवेयर मालूम है कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, ऑप्टिमाइज, फ्लूइड, काफ़ी ज़बरदस्त UI होने वाली है जो कि सीधा iOS को टक्कर देगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बाकी तो फ़ोन लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको क्या ख्याल है मुझे ज़रूर से बताइएगा, और आपको इस फ़ोन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें इसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो करके रखिए, क्योंकि हो सकता है इस फ़ोन के आने के बाद कुछ और आपको ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे चैनल पर देखने को मिले। और अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं ऑफिशियल हैं, अब तक शायद 1-2 टेक क्रिएटर्स ने बताई हैं, बाकी और किसी ने नहीं बताई है। बाकी मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। So I'm just here to tell you why.